नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए समाधान योजना जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। बता दें कि बोली लगाने वालों द्वारा अधिक समय मांगने के चलते कंपनी के कर्जदाताओं ने बुधवार को पांचवीं बार ये डेडलाइन बढ़ाई है और अब नई डेडलाइन 28 अगस्त है, जबकि पिछली तारीख 10 अगस्त थी। सोर्सेज ने कहा कि पिरामल और टॉरेंट ने डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाने के लिए कहा था, जिसे कर्जदाताओं की समिति COC ने खारिज कर दिया। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना जमा करने की तारीख पहले भी 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। बता दें कि रिलायंस कैपिटल को शुरुआत में 55 से अधिक IOI मिले थे, यानी पहले रिलायंस कैपिटल को 55 कंपनियां खरीदना चाहती थी, लेकिन अभी केवल 5 से 6 बोलीदाता ही सक्रिय हैं। हालांकि ठंडी प्रक्रिया के कारण COC ने पहले समय सीमा में 75 करोड़ रुपए बकाए जमा करने की शर्त को भी खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी रिलायंस कैपिटल को कोई खरीदना नहीं चाहता है। सोर्सेस ने कहा है कि बोलीदाताओं में से एक पिरामल ग्रुप को भी अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीमा रेगुलेटर ने रिलायंस नेपो लाइफ इंश्योरेंस के लिए ग्रुप की बोली पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल नियमों के अनुसार पिरामल के पास पहले से एक जीवन बीमा फर्म में प्रवक्ता यानी कि स्पोकमैन की हिस्सेदारी है और वो किसी अन्य जीवन बीमाकर्ता में समान हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अनिल अंबानी की कंपनी की मुश्किल बढ़ रही है और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को कोई बाय नहीं कर रहा है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको रिलायंस कैपिटल के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है और आपने कितने के प्राइस पर उसे बाय करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट रिलायंस कैपिटल को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।